तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आर्यवर्त में इस वक्त बेरोजगारों का कमर तोड़ प्रदर्शन चल रहा है। जम्बूद्वीप में इस वक्त विश्व गुरु के पुरोधाओं की मैराथन बातचीत चल रही है। बेरोजगार नामक जीवों के समूह ने लोपथ गामिनी भी फूंक दी है, लेकिन राज दरबार में बैठे ऋषि मुनि और दरबारी नौकरी बांटने के अपने पुराने बयानों के गौर से सुन रहे हैं। राज दरबारियों में न्यूज चैनल की एंकर और एंकराओं ने उच्च कोटि का प्रदर्शन भी दिखाया है। दरबारी चैनलों पर महाराजा अधिराज की प्रशंसा हो रही है। कोई शक्तिमान तो कोई भगवान का अवतार बता रहा है, लेकिन कई खबरों में सत्ता परिवर्तन की खबर भी सुनने में आ रही है, जहां न दरबारी काम आने वाले हैं और ना ही एंकर और एंकराओं की सुरीली आवाज। हम किसी पुराने नाटक की पटकथा नहीं सुना रहे, बल्कि हाल बता रहे हैं मौजूदा भारत का। हम उसी देश में जी रहे हैं जहां नारा दिया जाता है सबका साथ सबका विकास का, लेकिन विकास होता है बस साहब के चंद यार दोस्तों का, जिनकी गिनती दुनिया के अरबपतियों और खरबपतियों में होती है। आम जनता के लिए उनका नारा था कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी बांटेंगे, लेकिन अफसोस, साहब ने जहां जहां हाथ डाला वहां वहां सोना भी कोयला बन गया। लेकिन जिन नौजवानों ने सरकारी नौकरी के सपने देखे, उनकी नौकरी करने की उम्र भी पार कर गए। साहब ने कहा कि पकौड़े तलो, तो पता चला पकौड़े भी डॉक्टर और इंजीनियर का लेबल लगने लगा। एक एक नौकरी के लिए लाखों और करोड़ों बेरोजगार घर से निकल पड़ते हैं। सरकार एक एक आवेदन के बदले हजारों रुपए का एप्लीकेशन फीस वसूलती है। एक एक भर्ती को पूरा कराने में कैलेंडर बदल जाता है, लेकिन भर्ती पूरी नहीं होती। ऐसे में सत्ता के मठाधीश बेरोजगारों के पैसे से मालामाल हो जाते हैं, लेकिन भर्ती पूरी नहीं होती। पाकिस्तान की बर्बादी और चीन की तबाही के किस्से सुनाने वाली गोदी मीडिया भी बेरोजगारी के मुद्दे पर मुजरा कर रही है। रेलवे की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाने के बाद गुस्साए छात्रों ने ट्रेन ही फूंक दी। पटना की सड़कों पर बच्चों को पीटा जा रहा है। इलाहाबाद के हॉस्टलों में घुसकर बच्चों को नौकरी बांटने की तस्वीरें भी आप हमारे पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। बिहार में बिलक बिलक कर रो रहे बच्चों को मां बहन की गालियां तौलने वाली पुलिस अपनी वीरगाथा का परिचय दे रही है, लेकिन इस पूरे बवाल के पीछे किसी न किसी बलि के बकरे की तलाश जरूरी है। उस बकरे की तलाश करते करते अब पुलिस ने उन कोचिंग संस्थाओं पर नजर गड़ा ली है, जिनकी आवाज लाखों और करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। अब हिंसक प्रदर्शन के लिए पटना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले टीचरों के खिलाफ केस दर्ज करने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे ही एक नामी गिरामी कोचिंग सेंटर चलाने वाले टीचर का नाम है खान सर। खान सर अपने चुटकुले और मजाकिया अंदाज में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है, जिसको देखने वालों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन कानून के मुहाफिजों को लगता है कि बेरोजगारों को भड़काने का काम ऐसे ही कोचिंग वाले टीचरों ने किया है। इस वक्त खान सर पर केस दर्ज कर लिया गया है और अब खान सर बलि के बकरे के तौर पर नहला धुलाकर चढ़ावे के लिए तैयार किए जा रहे हैं। गोदी मीडिया और उनके चैनल भी खान सर की आरती उतारने में जुट गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस बवाल के लिए आखिर किसे जिम्मेदार माना जाए? क्या रेलवे बिल्कुल नहा धोकर साफ पाक बन चुकी है? क्या इस बवाल के लिए रेलवे की कोई जिम्मेदारी तय नहीं है? क्या भर्तियों में कछुआ चाल के लिए रेलवे को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? आखिर क्यों बेरोजगारी के मुद्दे से भाग रही है मोदी सरकार? आखिर क्यों बेरोजगारों को बार बार करना पड़ रहा है विरोध प्रदर्शन? आखिर क्यों दिल्ली में मठाधीश चैन से खा रहे हैं सत्ता मलाई? आखिर क्यों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार? आखिर क्यों नौकरी के नाम पर पकौड़े तलवाने पर तुले हैं हमारे नेता? आखिर क्यों होने लगी बलि के बकरे की तलाश? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ।
आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर बिहार में गुस्साए छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पटना से शुरू इस आंदोलन का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस आंदोलन की आंच पटना, मुजफ्फरपुर, नालंदा, गया समेत कई जिलों तक फैल चुकी है। उग्र हो चुके इस प्रदर्शन में ट्रेनों को रोका जा रहा है, कई ट्रेनों को आग के हवाले भी कर दिया गया। बेकाबू हो चुके इस हालात को देखकर खुद रेलवे को अभी पहल करनी पड़ रही है। इस पूरे मामले में पटना के खान सर समेत 6 टीचरों के खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च की गई है। लेकिन अब का होए पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। रेलवे ने बहुत देर में कोई ठोस कदम उठाया है क्योंकि गुस्से का कोई अंत नहीं है। छात्रों का गुस्सा किसी भी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए काफी है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि अब रेलवे ने जो कदम उठाया है क्या उससे छात्रों का आंदोलन खत्म होगा या फिर मुसीबत जैसे का तैसी ही बनी रहेगी। लेकिन जरा इस घटना की वजह भी गौर से सुन लीजिए। इस आंदोलन की सबसे पहले शुरुआत पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से हुई जहां छात्रों की संख्या कम थी क्योंकि पहले दिन हुए इस हंगामे में केवल एनटीपीसी वाले छात्र थे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि आरआरबी की एक गलती ने इस हंगामे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया और हंगामा अब बवाल में बदल गया है जिसे आप आंदोलन के रूप में देख रहे हैं। दरअसल पहले दिन राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हंगामा और तोड़फोड़ की घटना के बाद कई जगहों पर रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। कई छोटे बड़े स्टेशनों पर तोड़फोड़ भी की गई जिससे रेलवे की संपत्ति को नुकसान हुआ। वहीं दूसरी तरफ 25 जनवरी को रेल मंत्रालय ने नोटिस जारी कर कहा कि हंगामा करने वाले अभ्यर्थियों को रेलवे के किसी पद पर जिंदगी भर नौकरी नहीं दी जाएगी। अब लगातार तेज हो रहे आंदोलन के बाद 26 जनवरी को रेल मंत्रालय ने गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की लेवल 1 की परीक्षाओं पर रोक लगा दी। इसके साथ ही जांच के लिए कमेटी का गठन किया और 4 मार्च तक रिपोर्ट मांगी गई है। अब सुनिए इस पूरे मामले पर खान सर की क्या भूमिका है। दरअसल प्रदर्शन के मामले में पटना के पत्रकार नगर थाने में कोचिंग संचालक खान सर समेत प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने वाले 6 टीचरों पर बुधवार को मुकदमा दर्ज किया गया। भड़काऊ भाषण और छात्रों को उकसाने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। दावा किया जा रहा है कि कुछ छात्रों का बयान के आधार पर खान सर समेत 6 टीचरों पर मामला दर्ज हुआ है। इन टीचरों में खान सर, एसके झा सर, नवीन सर, अमरनाथ सर, गगन प्रताप सर, गोपाल वर्मा सर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में खान सर ने कहा कि आरआरएस ने जो एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा ली उसमें बोर्ड ने ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट दोनों के छात्रों को एक साथ बैठाया, दोनों के ही छात्रों को सिंगल प्रश्न पत्र दे दिया जबकि कट ऑफ अलग अलग रखा। ग्रेजुएशन वालों का कट ऑफ अलग था जबकि इंटरमीडिएट वाले छात्रों का अलग। ऐसे में निश्चित रूप से ग्रेजुएशन वाले भारी पड़ेंगे। दोनों को एक साथ मिलकर रिजल्ट देने में गड़बड़ी हुई है। इंटरमीडिएट वालों को 20 गुना पर रिजल्ट देने को कहा गया था लेकिन 10 गुना पर ही रिजल्ट मिला। खान सर ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या ये आई कि 24 जनवरी को जब राजेंद्र नगर टर्मिनल पर 500 के लगभग एनटीपीसी के छात्र हंगामा कर रहे थे तभी आरआरबी ने ग्रुप डी वालों के लिए 3 बजे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एनटीपीसी के छात्र सोच रहे थे कि कुछ अच्छी सूचना मिलेगी लेकिन आरआरबी के नोटिफिकेशन ने आग में घी डालने का काम किया। बोर्ड का नोटिफिकेशन ग्रुप डी वालों के लिए था। नोटिफिकेशन में बताया गया था कि ग्रुप डी के अभ्यर्थियों का अब मेंस एग्जाम लिया जाएगा। ऐसे में ग्रुप डी के सिंगल एग्जाम वाले जो 1.5 करोड़ छात्र हैं, जो एनटीपीसी छात्रों का हंगामा मीडिया के माध्यम से देख रहे थे, वे लोग परीक्षा की बात से उग्र हो गए और एनटीपीसी के छात्रों के साथ शामिल हो गए। अब जो हंगामा हो रहा है उनमें ग्रुप डी के ज्यादा छात्र हैं। ये सारी गलती आरआरबी की है। खान सर ने उनके खिलाफ केस दर्ज होने पर कहा कि हम लोग हैं जो चीजों को रोक कर रखे हैं। आप हमारी चीजों को देखेंगे, हमारे YouTube को एक हफ्ते से फ्रीज किया गया है। जो वीडियो डाल रहे हैं उस पर आरआरबी लिख रहे हैं तो डिलीट कर दे रहा है। अब भी वीडियो डाले भी हैं यहां पर। खान सर ने यह भी कहा कि एक अकेला टीचर 1.5 करोड़ लोगों को कैसे संभालेगा। इस मामले में अगर सबसे सटीक जवाब किसी ने दिया है तो वो है आरजेडी। आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि पुलिस को रेलवे बहाली बोर्ड पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, इनके अध्यक्ष समेत तमाम सदस्यों को अभियुक्त बनाया जाना चाहिए। खुद रेल मंत्री ने कबूल किया है कि लड़कों की शिकायत जायज है, इस मामले में बहाली बोर्ड ने आपराधिक लापरवाही बरती है, इसी की वजह से लड़कों में उत्तेजना फैली। बहाली बोर्ड के पदाधिकारियों से मिलकर कोचिंग वालों ने गलती की और ध्यान दिला दिया था।
बोर्ड से अनुरोध किया गया था कि गलती को सुधारें, अन्यथा लड़के रेल की पटरियों पर उतर सकते हैं। लेकिन अफसरी अहंकार में बोर्ड वालों ने अपनी गलती नहीं सुधारी, फलस्वरूप परिणाम सबके सामने है। इसलिए पुलिस द्वारा कोचिंग चलाने वालों पर केस दर्ज करना बिल्कुल गलत है। मैं मांग करता हूं कि कोचिंग वालों पर से मुकदमा हटाया जाए और भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष समेत सभी सदस्यों और पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। तो इस तरह से समस्या का हल निकालने के बजाय बलि के लिए बकरों की तलाश की जा रही है। लेकिन सवाल है, इन सब से आखिर क्या हासिल होगा? छात्र गुस्से में बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। उन्हें किसानों के आंदोलन से सीखना चाहिए, जिन्होंने लंबे समय तक शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहे और बाद में सरकार को झुकना पड़ा। उसी तरह से छात्रों को हिंसा और हंगामे का रास्ता छोड़कर अहिंसक आंदोलन करना चाहिए, शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहिए, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन रेल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ा अपराध है। और फिर चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।